नमस्कार, गुड इभिनिङ जय नेपाल। तपाईँको ग्राउन्ड जिरो यति बेला रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई पर्ने राजपुर फरादवामा छ। राजपुर फरादवा एउटा ऐतिहासिक ठाउँ, धेरै प्रसिद्ध ठाउँ हो। पूर्व बम हत्याकाण्डदेखि लिएर मोहम्मद आफ्ताब आलमको गाउँ भनेर चिन्ने राजपुर फरादवामा छौँ। यहाँको जनताको समस्याको बारेमा, यहाँको जनताको कमिङ इलेक्सनको के छ माहौल, त्यसको बारेमा जानकारी लिनको लागि यति बेला हामी राजपुर फरादवामा आइपुगेका छौँ। यहाँको स्थानीय नागरिकहरूसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ यहाँको विकासको बारेमा, यहाँको समृद्धिको बारेमा, यहाँको परिवर्तनको बारेमा। कमिदमी दसमी यति बेला राजपुर फरादवाको यो चौकमा हामी तपाईँलाई यहाँको दृश्य पनि देखाउँछु र यहाँका स्थानीय नागरिकहरूसँग म जान्ने प्रयास गर्न छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रौतहटको राजपुर फरादवाको विकास, यहाँको ग्राउन्ड जिरोको स्थिति के छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै बाटोमा नै पानी छ, पुरै नालाको पानी र पुरै गाउँको फोहोर पानी बाटोमा छ। न नालाको विकास भएको छ, न रोडको विकास भएको छ, के विकास छ तपाईँ यहाँको प्रत्यक्ष दृश्य हेर्नुहोला र यहाँको स्थानीय नागरिकहरूसँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ के छ यहाँको अवस्थाको बारेमा। नमस्ते दादा। नमस्ते। पूर्व मन्त्री आफ्ताब आलम जी के गाउँ भेलै, आफ्ताब आलम के गाउँ भेलै, ई गाउँ मे ज्यादा परिवर्तन देखल जाए तब ग्राउंड जीरो में कथी कथी विकास भेल बा। तो देखते अब तोरे नजर ना होगा ना, अपने देखे हम यहाँ आदि स्थानीय नागरिक ही ना, हम यहाँ के सब कुछ देख लेंगे। तो ना जाने से कुछ भी नहीं है, है? कुछ ना भा है। अच्छा, ये विकास नजर आ रहा बा। हाँ, अच्छा ये बताओ, अच्छा फिर फोटो वाला एमपी के, एमपी के फोटो वाला है तो कौन पार्टी के, अरे कथी के मुद्दा पर वोट देबै एमपी फिर हो वाला ना, एमपी के फोटो वाला कौन, अथी कथी के मुद्दा पर वोट करबै? तो हम ही तावलन को देबो। तावलन में क्या है, मतलब उनका रही क्या है, दूसरा नेता क्या है? ना दूसरा नेता को हमने न चाहिए ले, नहीं को चाहिए ले को रे अपने कदे विकास कर लेबे देश में करो न करो वही को देबै। ओ नमस्ते, की कहे छे? ओसे निमन कोई नेता न है। कैसे मतलब, कैसे उनका से निमन नाते नहीं, कारण कथी? माने हमने अब ताप छाप है यो, कैसे मतलब होते ना पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में नाम अपने के चल जाए अब ताप ओमे से। हाँ। दूसरा पार्टी में दूसरा ही पार्टी है क्या है, मतलब पार्टी के मतलब चिन्ह पे देसी की विकास के नाम पे देसी की धर्म के नाम पे देसी, माने धर्म के नाम से देसी या नाम के सबसे, माने सब हमने के ठीक है विकास करते। देखिए नाला के निकास नहीं, पानी के निकास नहीं, अपने गाँव में इतना विकास तो कौन अथी अथी में विकास कर ले, पूरा रोड उड़ नाली उड़ी दूसरा बना ही दिया है। नाली देखिए रोड में पानी देखिए नाला, बाकी अभी कार्तिक बाद से काम शुरू हुआ है। कार्तिक बाद से कई साल से ऐसा क्या बाकी बताओ जितना बोलो। बहुत दिन से है, बहुत दिन से है, गली गली में रोड बनिए गवा है, गली गली में रोड बन गई, देखिए नाला का पानी रोड पर बा, तो नाला बनी, नाला बनी। हां तो फिर मतलब कौन पार्टी के वोट देबे? हम तो अफताब साहब ही हो, अफताब साहब पूरा। नमस्ते, की नाम है? शेख मंजारू। शेख, अच्छा मंजारू जी, मतलब ये बताओ इलेक्शन हो गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो केना है मतलब जनता का मूड केना है, अपने के मूड केना है, कथी के नाम पे वोट देबे? यहाँ वोट जो है कि ना आफ्ताब को दिया जा रहा है ना दूसरे पार्टी को दिया, देने का मतलब ये है कि जनता को जैसा कि बॉर्डर का सवाल हो गया जी, तो कोई सामान लाना होता है तो आफ्ताबे के बल पर लाना पड़ता है। दूसरा कोई ऐसा नेता जो है जो कुछ नहीं कर पाता है, जनता के लिए कुछ नहीं कर पाता है, चाहे आफ्ताब विकास करे ना करे, लेकिन उनके डर से उनके भय से हर जनता जो है कि जीता है, खाता है, कमाता है, सब कुछ करता तो ये है। बात है, जैसे विकास की बात करें, इस गांव का, इस गांव का क्षेत्र का विकास देखा जाए तो बहुत पीछे है, इस एरिया भी बहुत ज्यादा पीछे है, तो मतलब विकास के मुद्दा पर क्यों नहीं, मतलब एक जाति धर्म के मुद्दा पर क्यों नहीं, इस क्षेत्र का जो है कि विकास जो है कि हुआ है लेकिन विकास अल्टर किया है, जैसे कि रोडे बनाया है तो पहले नाला बनाना चाहिए, तो नाला नहीं बनाया है। इसमें कुछ मेयर जो, इससे पहले वाला मेयर जो है वो जो है कि मान लीजिए वो खाने वाला मेयर निकल गया, तो अब सुधार होगी। हाँ, और जो ये मेयर जीते हुआ है तो एक दो महीना चार महीना के बाद में जो है कि सुधार की तरफ जा रहा है। बोलता है इस क्षेत्र का जनता में एक डर का माहौल रहता है, आपको डर लगता है इस क्षेत्र में? डर का कोई बात ना है, बोलता है कि क्षेत्र का जनता मतलब एकदम डरा हुआ है, आफ्ताब आलम की खौफ है? डर का कोई बात ना है, डर का कोई बात नहीं, सब गलत बात, गलत बात है, गलत बात है। जैसे मीडिया में की बात है, बोलता है कि आफ्ताब आलम की डर, देखते खौफ है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है इस क्षेत्र में, सब गलत बात है, सब गलत बात है, जो डर से वोट देता है सब गलत बात है, मतलब ऐसे माहौल नहीं है। जैसे मैं यहाँ को ग्राउंड जीरो को रियलिटी तपाईलाई म देखाउँदैछु, यहाँ को स्थानीय नागरिकहरूसँग हामीले यो जान्ने प्रयास गर्यौँ रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई मोहम्मद आफ्ताब आलमको क्षेत्रको समस्याको बारेमा, यहाँको स्थानीय नागरिकको के छ मुड, त्यो हामीले जान्ने प्रयास गर्यौँ। यो ग्राउन्ड जिरोको रियलिटी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य हामीलाई कमेन्ट र सुझाव गर्नुहोला। तपाईँसम्मको लागि लभ यु, स्टे सेफ, जय नेपाल।